दोस्तों बाइक निर्माता कंपनी अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव ने कुछ दिन पहले अपनी आई इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वायलेट F77 को पेश किया था। ये तीन वेरिएंट में आई हुई इलेक्ट्रिक बाइक है जो एक बार चार्ज होने पर 307 किलोमीटर का रेंज देने का दावा करती है। फिलहाल इसकी बुकिंग 23 अक्टूबर को शुरू कर दी गई है और इसे 24 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनराज और आप देख रहे हैं SKEV टेक। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ इसकी रेंज से लेके फीचर तक और फीचर से लेके कीमत तक की पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, वीडियो को जरा स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अल्ट्रा वायलेट F77 इलेक्ट्रिक बाइक को बुक करने के लिए बुकिंग विंडो 23 अक्टूबर से ही खोल दी गई थी, जिसके लिए आपको 10,000 रुपए की टोकन अमाउंट मनी देनी होगी। अल्ट्रा वॉलेट ने कहा है कि बिक्री केवल ऑनलाइन से ही शुरू होगी। वहीं कंपनी का पहला एक्सपीरियंस जोन बेंगलुरु में शुरू होगा, इसके बाद इसे बाकी देश के शहरों में खोला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने पेश की पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसे 190 देशों से 70,000 प्री बुकिंग मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं अल्ट्रा वॉलेट के मोटर पावर और बैटरी रेंज की। अल्ट्रा वॉलेट F77 एक 25 किलोवाट का मोटर इस्तेमाल दिया गया है जो 33.5 HP का पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक को परफॉर्मेंस बाइक के रूप में लाया जा रहा है जो एक बार चार्ज होने पर 307 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। दोस्तों अल्ट्रा वॉलेट बाइक को 140 से लेकर 145 किलोमीटर की टॉप स्पीड से चलाया जा सकता है। वहीं 0 से 60 किलोमीटर तक की स्पीड तक जाने तक ये 2.9 सेकंड का समय लगाती है। इसमें दिए जाने वाले बैटरी पैक को 3 साल की वारंटी भी दी जाएगी, जिस पर एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करें अल्ट्रा वॉलेट F77 के फीचर्स और कलर वेरिएंट की। तो दोस्तों कलर वेरिएंट में आपको 3 कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला एयर स्ट्राइक, दूसरा शेडो और तीसरा लेजर मिलता है। दोस्तों बात करूँ फीचर्स की, दोस्तों इसमें OTA अपग्रेड, एडजस्टेबल सस्पेंशन, रिमोट डायग्नोस्टिक और मल्टीपल राइडिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिए बाइक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डुअल चैनल ABS, बाइक ट्रैकिंग और राइड डायग्नोस्टिक भी दिया गया है। और दोस्तों आपको इसमें 3 राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला इको मोड, दूसरा स्पोर्ट मोड और तीसरा इंसेन मोड मिलता है। दोस्तों अल्ट्रा वॉलेट बाइक को आप 1.5 घंटे में फास्ट चार्जर की मदद से फुल चार्ज कर सकते हैं। वही इसके नॉर्मल चार्जर में ये चार्ज होने में 5 से 6 घंटे चार्ज होने में लगाती है। दोस्तों अल्ट्रा वॉलेट F77 को कंपनी बेंगलुरु स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार किया जाएगा, जहां 70,000 वर्ग फीट में फैले प्लांट सबसे पहले 15,000 इलेक्ट्रिक बाइक को बनाने का काम चल रहा है। TVS मोटर कंपनी ने अल्ट्रा वॉलेट ऑटोमोटिव में विजिट किया है। ऐसे में यह आने वाले समय में इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एक बेहतर पहचान बनाने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल आपको बताया अल्ट्रा वॉलेट F77 के लुक और फीचर्स के बारे में बताएं तो मॉडर्न स्टाइलिंग वाली एक स्पोर्ट इलेक्ट्रिक बाइक में सिंगल पोर्ट हेडलाइट के साथ ही फ्रंट फोर्क, फाइबर कवर और बैटरी पैक को कवर करने के लिए एक बड़ी फेयरिंग भी दी गई है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक बाइक काफी हल्के फ्रेम के साथ आएगी जो बेहतर हैंडलिंग और फुर्तीली होगी। इस मोटरसाइकिल के निर्माता का दावा है कि अल्ट्रा वॉलेट F77 की मोटर माउंट पहले की तुलना में 30% हल्की कर दी गई है और दुगना सख्त हो गई है, जिससे मोटर और बाइक के लिए एक बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों इस अपडेट इलेक्ट्रिक बाइक में एक अपडेटेड बैटरी पैक लेस किया गया है, जिसमें एक पैकेज में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और यूजर टेक्नोलॉजी का मिश्रण देखने को मिलेगा। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बाइक को ट्रांसमिशन को रिफाइन किया गया है। इसमें अपडेटेड स्विंग आर्म है जो बेहतर राइडिंग कम्फर्ट और बेहतर परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अल्ट्रा वॉलेट बाइक के बैटरी पैक की। तो दोस्तों लिथियम आयन का बैटरी पैक, इसमें 10 किलोवाट लिथियम आयन का बैटरी पैक मिलता है जो मॉड्यूल के रूप में आता है। अल्ट्रा वॉलेट का दावा है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बैटरी पैक पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखती है, जिससे कि बाइक की परफॉर्मेंस और रेंज में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। मोटरसाइकिल एक बार चार्ज होने पर 307 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। दोस्तों एल्युमिनियम केसिंग के अंदर यह बैटरी पैक इंडस्ट्री में उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सबसे बड़ा और सुरक्षा वाला बैटरी पैक है। चलो दोस्तों बात करें इस अल्ट्रा वॉलेट बाइक के स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों आपको इसमें एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें पुश बटन स्टार्ट मिलता है। गियर बॉक्स की बात करें, रिडक्शन हेलिकल गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो डिजिटल कंसोल इसमें देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, नेविगेशन मिलता है, जियो फेंसिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही में आपको 89 का 2-way थ्रोटल मिलता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अलर्ट, फॉल एंड क्रैश सेंसर्स मिलते हैं। सीट प्रकार की बात करें तो स्प्लिट टाइप की सीट मिलती है, पैसेंजर फुट रेस्ट मिल जाता है और चार्जिंग पॉइंट इसमें मिलता है फास्ट चार्जिंग, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। लाइनक्स OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन,
और क्लॉक डिस्प्ले टाइप TFT LCD मिलती है। दोस्तों बाइक बात करूं कैपेसिटी और माइलेज की तो दोस्तों सैडल हाइट इसकी 800 mm की मिल जाती है, व्हील बेस 1340 mm का मिल जाता है, कर्व वेट 158 kg का मिल जाता है, आगे की हेडलाइट LED मिल जाती है, पीछे की टेल लाइट भी LED मिल जाती है और लो बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करूं इसके टायर और ब्रेक की तो दोस्तों फ्रंट ब्रेक डायमीटर इसका 320 mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर मिल जाता है, रियर ब्रेक डायमीटर 200 mm का मिल जाता है। दोस्तों आपको फ्रंट और रियर में दोनों में ही ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों टायर साइज में आपको 110x70 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, रियर में आपको 150x60 के रियर टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट और रियर में दोनों में ही अलॉय व्हील के व्हील इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी जानकारी अल्ट्रा वायलेट बाइक की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।